हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक। एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल के ऊपर क्लिक कर लें। अच्छा कि यार फिलहाल अभी कैसे है यार, पूरी रात तो खैर सोया ही नहीं। सीनियर काम करता रहा तो अब कॉलेज जाने का टाइम है, लेकिन हिम्मत, ताकत, एनर्जी, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही। बट फिर भी क्या है कि जाना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी सेमेस्टर जा रहा है, तो इस वजह से तो कोई इशू वाली बात नहीं है। खैर चलते हैं, हिम्मत करते हैं, आकर सोचेंगे क्या सूरत हाल है, वो आकर देखेंगे फिर। तो बाकी व्लॉग जो है वो बस ये है कि टीटो पार्टियाँ लगाएंगे। टीटो पार्टी से मुराद गेट टुगेदर हो जाएगा, कॉलेज चलते हैं, कॉलेज के बाद देखेंगे शाम में कहाँ चलते हैं। हमने अपने एक दोस्त को भी टाइम दिया हुआ है, वो बेचारा हमेशा अपना एवरी टाइम डॉलर फंसा लेता है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि क्योंकि व्लॉग पिछले दिनों आ भी नहीं रहे थे, तो इस वजह से आपने ज़रूर बताना है पिछला व्लॉग जो पार्टी वाला था वो किस तरह का लगा है। तो बाकी अभी फ़िलहाल का सीन ये है कि नहाकर फ्रेश होकर मैं सीधा आपसे कॉलेज में मिलता हूँ, और कॉलेज में चलते हैं, दोस्तों से गपशप भी करते हैं, बाकी शाम में रूटीन देखते हैं क्या होती है, और बाकी शाम में और मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो बाकी अभी चलते हैं फिलहाल कॉलेज, कॉलेज चल के आपसे फ्रेश होकर मिलते हैं वहाँ पर। चलो चलो चलो। हाँ जी, तो भाई जान कॉलेज आए हैं, और ये जो साहब जाते हैं ना असाइनमेंट लिख के ले गए, कल आए थे आप? यस। और मैम ने सबसे पहले कहा भी मुझे साइकिल हो गया असाइनमेंट भी लिखी घर में। यार मैंने कहा इधर आके भी सुबह सुबह टीटो पार्टी ही लगा लिया, कभी उसको देख कभी उसके, इसलिए इधर लिखेंगे घर में अभी बात करते हैं। हाय हाय, इतना सुकून। सुधर जाओ, सुधर जाओ, आपके सिवे सुधर जाओ। वो देख के जा रहे हैं ना, वो बच्चों को पढ़ने लिखने वाले बच्चों को खराब कर रहे हैं, दुपट्टा देके आ रहे हैं। हमें पता है कितना पढ़ने आ रहे हो, नोटी नोटी नोटी, यू टीजिंग मी, यू नोटी नोटी। क्लास के अंदर टीचर आ गई है, और ये क्या बोल रहे हो, क्या फरमा रहे हैं आप? जो ले जो टाइम से जाए उसे कुछ पूछता नहीं है, जो लेट जाए उसे बाधी करते हैं। अरे जी, यहाँ पर बैठे हम एक मजाक कर रहे थे, और बैठे बैठे डिस्कशन ऐसी हो गई कि हसान बताएगा क्या हुआ आपके साथ। यार अच्छा नहीं, पहले बात तो ये कि मुझे कहता है कि मैंने ऑनलाइन काम सीखना है। मैंने कहा पहले एक स्किल ले ले कोई भी, उसके साथ कर, कहते मुझे एक अल्फाज नहीं पता, ठीक है अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा इधर ही क्या सीन है, तो मैंने सोचा कोई यार एक स्किल ले ले उसके अंदर, यानी कर ले तो मैंने बताया कि यार मैंने ना डिप्लोमा किया था, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था वहाँ पर, मेरा डिप्लोमा था जो इंटरेस्ट था वो था मेरा सीएस के अंदर, तो मैं सीएस की फील्ड के अंदर आ गया। मैंने इसे बताया कि यार अब तू कर ले, अल्लाह भला करे प्रोग्रामिंग करे, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। अब बता प्रोग्रामिंग के हवाले से आपने क्या किया? मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैंने बायो रखनी थी, बायो रखने आया क्लास में पहले दो सेमेस्टर, ठीक है दो सेमेस्टर पढ़ के क्या मुझे कहते हैं 15 बंदे ले इंसान है मेरे प्रोग्राम के सर, आपको इसलिए बोला कि आप थोड़ी सी इंटेलिजेंट है, बोला चले बाकी देखते हैं क्या होता है यार। इसका एक मसला करना है, इसको चाहिए ऑनलाइन काम करना है, और दूसरी एक और बच्चे भी चाहिए यार, वाला यहाँ से नहीं मिल सकता, दूसरा एक बच्चा चाहिए ऐसा, नहीं नहीं और प्यारी समझ गई। लेक्चर हो रहा है हमारा, और हम यहाँ पर यकीन पाठ कर रहे हैं। अच्छा जी थोड़ा सा ऊपर चढ़ना। अच्छा जी आज इसे पूछते हैं कि भैया आज का डे कैसे रहा? पहला लेक्चर था मैम का, उस लेक्चर में तो कोई पता नहीं लगता, मिनट में खुशी आ जाती है, मिनट में कमी आ जाती है। पॉइंट और पॉइंट कैसे लगते हैं? कभी हमें लगते हैं, जब हमारी बारी आती है फिर भी हमें ही लगते हैं। और मैं अपना हाथ क्या देख रहा था? हाँ आज वैसे पेन की लकीर लगी थी हाथ पे, बॉस वो देख रहे थे, मैम कहती आप हाथों की लकीरें चेक करने लग गए। यार इज्जत नहीं है यार कोई, आखिरी सेमेस्टर चल रहा है यार। और दूसरा लेक्चर होता है जावा का, उसमें तो जागना पड़ता है, बस आंखें खोलनी पड़ती हैं। नहीं खैर वो इंटरेस्टिंग लेक्चर है, उसके अंदर यानी कि जागने के अलावा भी यानी कि समझ आता है सर, अपनी अटेंशन 100% रखनी पड़ती है। आखिरी होता है वेब डिजाइन का, वो अभी तक हमें पता नहीं होता क्या है, उसमें मोबाइल के अंदर रख के, बैग के अंदर मोबाइल रख के वही यूज करते रहते हैं मोस्टली।
सही रूटीन चलने हैं। बाकी देखते हैं आज की जो जो एक्टिविटीज़ होती है वो आपको सबको दिखाते हैं, तो शाम में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। और बाकी आज की जो सूरत हाल थी कॉलेज के हवाले से अपडेट जो थी वो हो गई डन, ताकि बाकी जो है इंशाल्लाह आपको शाम में वो मेरा क्रश है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर जी तो फाइनली घर आ गए हैं, बाकी चेंज वगैरह करते हैं, फ्रेश होते हैं, तो बाकी शाम में देखते हैं और क्या मजीद देखने को मिलता है और क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं। बिकॉज़ सुबह का जो मौसम था बड़ा समस्या किस्म का हुआ था, धूप भी नहीं थी, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बाकी अब जो है थोड़ी गर्मी आ गई है, तो इस वजह से बाकी फ़्रेश होते हैं, फ्रेश होकर देखते हैं क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं, फिर आपको और मज़ीद डिस्कशन दिखाते हैं। 2 hours later हाँ जी, तो फ़िलहाल यार अभी का सीन ऐसा है कि छोटा सा काम आ गया, भाई का जो था वो आईडी कार्ड हमने रीन्यू करवाना है, तो उसके लिए हम फ़िलहाल जो है नादरा ऑफिस जा रहे हैं। बाकी अभी एक छोटी सी पेमेंट देनी थी भाई ने, तो वहाँ पर आए हुए, तो बाकी यहाँ से हम जाएंगे नादरा ऑफिस अपना, उन्होंने कार्ड रीन्यू करवाना है। खैर मेरा भी होने वाला है लेकिन मैं अभी फ़िलहाल नहीं करवा, कहते ना जब तक एंड मौके पर जब तक कोई काम ना हो तो हमने करना ही नहीं है, वो तो मेरा भी होना है लेकिन यार मैं करवा नहीं पा रहा असल में, कुछ उसकी रीज़न है। तो बाकी भाई का जो है वो कार्ड रीन्यू करवाना है, तो चलते हैं नादरा जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है, दुआ करेंगे बस रश ना हो, तो बाकी चलते हैं वहाँ पर। अच्छा यार वो तो हमने करवा लिया था लेकिन हमें एक रजिस्ट्रेशन के लिए टेस्ट वगैरह करवाना था आईडी कार्ड का जो था, तो बाकी वो करवा के अब आगे दोबारा यानी कि नादरा जा रहे हैं, यानी कि फटीक पड़ गई एक तरीके से, तो बाकी अंदर चलते हैं वो सबमिट करवा के फिर आपको बताते हैं। 1 hour later अच्छा जी तो यार काफ़ी लेट हो गए हैं, असल में सीन ये हुआ है कि नादरा ऑफिस से हमने वो आपको बताया स्टैंप वगैरह करवाई थी, वो करवाने के बाद नादरा ऑफिस में दोबारा वो अटैम्प करवाया। खैर उसके बाद यार एक छोटी सी मेरी मीटिंग थी वो कॉल के ऊपर थी, तो मैं मसरूफ़ हो गया, तो खैर उसके बाद मेरे भाई की मुझे कॉल आई थी, तो दोबारा इन्होंने एक काम पता क्या किया, अपने डॉलर दोबारा फंसा लिए, पैसे दोबारा फंसा लिए भाई ने अपने, तो बस अब क्या है भाई इसको मैं समझाता हूँ, अब ये अब इतनी इसका अकाउंट में कुछ मसला है या जो बंदा पैसे ट्रांसफ़र करता है इसके मंथली वहाँ से इशू होता है, तो वही इसने मुझे कॉल किया कि भाई जान मेरे पैसे फंस चुके हैं आ जाओ कोई काम जुगाड़ शुगाड़ करो, तो खैर वो 30-20% तो हुआ ही है लेकिन बाकी अल्लाह खैर करेगा, और अमाउंट भी खैर अच्छे उसमें है, तो फिलहाल अभी बाहर बैठे हुए सोडा वगैरह पी रहे थे। तो हुसैन भी हसन भी कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये एवरी टाइम आप अपने डॉलर क्यों फंसा लेते हैं सर? इंशाल्लाह सर निकल आएंगे, बस हो जाता है कभी कोई, मैं एडवेंचर होना चाहिए ना लाइफ में, ये भी बात ठीक हो जाता है बस इंशाल्लाह निकल आएंगे। सही, और वैसे ठीक है आप काम ठीक कर रहे हैं आप? सही चले। बाकी फ़िलहाल का सीन ये है कि मगरिब की अज़ान हो गई है, बाकी यहाँ से वाइंड अप करके हम खैराबाद करके घर चलते हैं, घर जाके देखते हैं क्या कुछ है, अगर कुछ हुई एक्टिविटी तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे। यार